मोदी जी के प्रचार पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, ये बताने के लिए कि मोदी जी गरीब थे। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है कि मोदी जी गरीब थे। ए देश के गरीबों, मोदी जी गरीब थे, तुम गरीब हो, और वो तुम्हारे पैसे से ही तुमको बता रहे हैं कि वो गरीब थे। इस दुष्प्रचार का शिकार मत बनिए, सच से सवाल कीजिए। मोदी जी अगर गरीब थे तो गरीबों के प्रति उनको यदि संभाव संवेदना है, अगर वो चाय बेचते थे, यदि उनकी मां मजदूरन थी, तो आज जो मजदूर हैं, आज जो चाय बेचने वाले हैं, आज जो देश के गरीब हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकारी स्कूल कॉलेज के बजट को खत्म कर देते हैं तो किसका बच्चा नहीं पढ़ता है? अमीर का बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है कि गरीब को बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है? जब आप रेलवे बेच दीजिएगा तो किसको इधर से उधर जाने में दिक्कत होगी? अमीर को दिक्कत होगी कि गरीब को दिक्कत होगी? गरीब को दिक्कत होगी ना। तो मोदी जी जब आप गरीब थे तो जो गरीब हैं उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, यही हमारा सवाल है, यही हमारा प्रश्न है। करोड़ों रुपया प्रचार में खर्च करते हैं, जिधर देखिए उधर तमाशा। बाहर जाएंगे तब तमाशा, देश लौट करके आएंगे तब तमाशा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार नहीं चला रहे हैं, तमाशबिनों की टोली बना करके चले हैं। भाई बजाओ ताली, तमाशा चल रहा है। अरे एक काम तो गिनाइए साहब, आप अपने वादे पे खड़ा उतरिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपका विरोध नहीं करूंगा। मैं आप कहें तो मैं आपको एफिडेविट बना करके दे देता हूं कि जो बात आप बोलते थे उसमें से आप कुछ बात तो लागू कर दीजिए। मोदी जी के पुराने भाषण को सुनिएगा। मोदी जी कहते थे कि अगर देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होता तो रुपया कभी नीचे नहीं जाता। मन करता था कि बाप रे बाप, ये आदमी कब देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब प्रधानमंत्री हो गए हैं, रुपया रोज नीचे जा रहा है, तब एक सवाल नहीं बोल रहे हैं कि रुपया क्यों नीचे जा रहा है। जब मुख्यमंत्री थे तो भाषण देते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आधार योजना को लागू नहीं होने दूंगा। आए भी, आधार योजना लाए भी और मरे भी नहीं है, एकदम जीता जागता खड़े हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि जीएसटी सबसे खराब योजना है, इसको कभी नहीं लागू होना चाहिए। अब सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी लागू के कर दिए हैं और उनको मालूम है कि जीएसटी में गड़बड़ी है। आपको मालूम है सैकड़ों बार उसमें परिवर्तन किया गया है, सैकड़ों बार। सरकार खुद बजट लेकर के आती है और कहती है कि कॉरपोरेट टैक्स लगाने से देश को फायदा होगा, इसीलिए हमने कॉरपोरेट टैक्स लगाया है। और जब मंदी आती है तो चुपचाप जो फिनेंस मिनिस्टर हैं, चुपचाप कॉरपोरेट टैक्स को घटा देते हैं, देश को पता नहीं चलता है। अरे अपनी बात पे तो टिके रहते। एक कहावत बार बार कही जा रही है, बार बार एक बात कही कहावत कही जाती थी कि झूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये झूठों की बात की जगह ये हो गई है कि भाजपा की बात पे और घोरे की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमको बता दीजिए जो इन्होंने कहा हो और जिस पे ये टिके हुए हों। और मजेदार बात ये है कि मोहन भागवत अपने भाषण में गौतम बुद्ध को याद कर रहे थे, गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध को याद करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनको बुद्धिज्म में बड़ा भरोसा है। प्रधानमंत्री भी बाहर गए तो कहा कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, देश में आए कहे घर में घुस के मारेंगे। बताइए सुनते हैं कि नहीं, ये भाषा सुनते हैं कि नहीं, घर में घुस के मारे। बोलने के लिए तो ये भी कह दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। बोलने के लिए तो ये भी करें कि जो है महात्मा गांधी को महान साबित कर दें। लेकिन
अपनी शाखाओं में लोगों को सिखाते हैं कि महात्मा गांधी बहुत खराब आदमी था और गोडसे की पूजा करते हैं। तो इनकी कथनी और कि आज जो सच है उस सच को छुपाने के लिए एक झूठ का आडंबर रचा जा रहा है, बहुत बड़ा आडंबर रचा जा रहा है झूठ का। सवाल यह है कि यह झूठ का आडंबर क्यों रचा जा रहा है? झूठ का आडंबर इसलिए रचा जा रहा है कि हर चुनाव में जब चुनाव आए तो बात इस पे नहीं हो कि कौन अच्छा है, बात इस पे हो मोदी नहीं तो कौन। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव के वक्त भाजपा के लोगों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। किसी भी पान की दुकान पे खड़ा होकर के आप उससे पूछते कि यार सब बात तो ठीक है लेकिन ये बताओ, किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी नहीं पैदा हुई, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुका, महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, तो क्या तुमको ये बात ठीक लगती है? तो भाजपा के कार्यकर्ता का जवाब होता था कि देखो तुम्हारी सब बात ठीक है लेकिन मोदी नहीं तो कौन, यही कहते, यही जवाब होता था ना। और अभी भी देश में क्या जवाब है? ठीक है सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मोदी नहीं तो कौन, यही पूछा जाता है ना। ये अपने आप तैयार नहीं हुआ है, इसको तैयार करने के लिए पैसा खर्च किया गया है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है ये मैं बताता हूं। सिनेमा आप लोग देखते होंगे, सपोज कीजिए कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा हो और हमको शौक हो हीरो होने का, तो मेरा बाप क्या करेगा? मेरा बाप किसी डायरेक्टर को पकड़ेगा, है सुनो एको कहानी लिखवा के लाओ, मेरा बेटा हीरो होगा। हैं, हमको तो आप देख ही रहे हैं 5 फुट 5 इंच, हैं तो हीरो जैसा हाइट तो मेरा है नहीं लेकिन हमको हीरो होना है, तो हम हीरो कैसे होंगे? तो हम 4 फुट 5 इंच का आदमी खोज करके लाएंगे, तब ना उसके सामने हम लंबा दिखेंगे। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी आप हिंदी सिनेमा का गाना देखिएगा, हीरोइन जैसी हो उससे ज्यादा खोज करके महिला को लाया जाता है। खराब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खराब किसी को नहीं मानता हूं, लेकिन उससे तुलना में देखने में वो अच्छी ना लगे, और थोड़ा उसमें मेकअप पाउडर लिपस्टिक ये सब भी लगाया जाता है, और बेचारी अपना पीछे में ऐसे ऐसे कर रही है, तो सारे दर्शक का नजर किस पे रहता है? हीरो पे नहीं, हीरोइन पे नजर रहता है। अब पीछे में जो 20-25 को नाच रहा है उसको कोई नहीं देखता है, उसको 200-200 रुपया दे करके बुला लिया, उसको कोई नहीं देख रहा है। अब टीवी पे अगर दिन रात आपको मोदी मोदी चलेगा तो आपके दिमाग में क्या लगेगा? आपको लगेगा कि इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, यही हीरो है, यही है, मेरा जूता है जापानी।